अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अरुज हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ डायबिटीज़ मैनेजमेंट थ्रू न्यूट्रिशन, कि हम न्यूट्रिशन के थ्रू अपनी गिज़ा के थ्रू किस तरह से डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं या किस तरह से डायबिटीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वॉट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है वो एक बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल राइज कर जाता है, शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ जो है वो तीन तरह की होती है। एक होती है डायबिटीज 1, एक होती है डायबिटीज 2 और एक होती है जेस्टेशनल डायबिटीज। अब हम बात कर लेते हैं कि डायबिटीज 1 क्या होती है। डायबिटीज 1 जो है बेसिकली हम उसको नाम देते हैं ऑटो इम्यून डिजीज का। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी नेचुरली तौर पर इंसुलिन बनाना छोड़ जाती है, यानी कि जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसने करवानी होती है, जिसने आपकी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करना होता है, वो काम जो है वो आपकी बॉडी करना छोड़ देती है। इसलिए हम इसको नाम देते हैं कि ये एक डिजीज हो गई है। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसको हम नाम देते हैं कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आपकी बॉडी इंसुलिन तो बना रही होती है लेकिन जो है उसकी वर्किंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होती। इसलिए जब हम इसकी डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो ऑटो इम्यून डिजीज के निस्बत जो है जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है उसको क्योर करना हमारे लिए आसान होता है। अब आ जाते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के ऊपर कि वो क्या होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के थ्रू हम उसको इजीली क्योर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट हम डाइट के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, मैं अक्सर जो है वो अपने पेशेंट्स को ये बात जो है मैं करती हूँ कि आपको सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है डायबिटीज़ में, आपको कुछ भी जो है वो खाने पीना छोड़ देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जिनको जो है वो डायबिटीज़ हो जाती है या जिनको कोई भी किसी भी किस्म का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, उनके लिए इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है। कोई भी चीज़ आप जो है वो खा रहे हैं, चाहे वो कोई वेजिटेबल्स हैं या वो कोई फ्रूट्स हैं, उनमें एक नेचुरली तौर पे जो है कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर शुगर कंटेंट मौजूद होता है, जिसको हम नाम देते हैं कि इसमें जो है वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो कितना है या ज़्यादा है या कम है। अब जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं हम उन्हें ये रिकमेंड करते हैं कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स जिन चीज़ों में ज़्यादा होगा वो आपने या तो जो है वो खाना छोड़ देने हैं या आपने कम क्वान्टिटी में खाने हैं, और जिन चीज़ों में ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होगा आप वो अपनी रूटीन में जो है वो शामिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है या कम होता है। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं आपको आसान वर्ड्स में बताऊँ तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास सारे वो होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर कॉन्टेंट मौजूद होता है, या हमारे पास जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए, या हमारे पास जो है वो रिफाइंड जितनी भी जो है जो चीज़ें हो गई हमारे पास, या फिर हमारे पास ग्रेन्स हैं, हमारे पास अब हम बात कर लेते हैं पास्ता हो गया, या जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, राइस हो गए, ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें जो हमारे पास रिफाइंड होती हैं उनको हम नाम देते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। जबकि अगर हम सिंपल कार्ब्स के बारे में बात करें तो ये हमारी बॉडी में एक तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं और इनके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में फाइबर मौजूद होता है, इनको हम जो है वो नाम देते हैं सिंपल कार्ब्स का। अब जितनी भी हमारे पास अनरिफाइंड चीज़ें आती हैं यानी कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक चीज़ें आती हैं वो हमारे पास होते हैं सिंपल कार्ब्स। जो सिंपल कार्ब्स होते हैं हमारे पास उनमें जो है वो नेचुरली ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स कार्ब। अब जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं उनके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है। अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं पास्ता की, अगर हमारे पास जो है वो होल व्हीट पास्ता है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, अगर हमारे पास व्हाइट पास्ता है, रिफाइंड पास्ता है, तो उसके अंदर जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो जो है वो नेचुरल सी बात है कि उसमें जो उसका शुगर कॉन्टेंट है वो भी ज़्यादा होगा, जो कि आपके डायबिटीज़ को बढ़ाने में ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करेगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्रूट्स की कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो हमारे पास डेट्स हैं। अब हमारे पास डेट्स जो है वो बहुत सी तरह की आती हैं। कुछ जो डेट्स होती हैं जिनके अंदर जो है वो नेचुरली जो शुगर कंटेंट कम होता है तो वो शुगर के पेशेंट्स जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स उसको ले सकते हैं। अब हमारे पास एप्पल आ जाते हैं। एप्पल के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, फाइबर ज़्यादा होता है, वो जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो बेरीज हैं या हमारे पास जितनी भी सिट्रस फ्रूट्स की कैटेगरीज हैं उनके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, वो डायबिटीज़ के पेशेंट ले सकते हैं। अगर हम बात करें मेलन की या बनानास की अगर हम बात करें तो इनके अंदर थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, इनका शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को चाहिए कि वो ये वाले फ्रूट्स अवॉइड करें, या अगर वो जो है अगर अपनी डाइट में जो है वो कंज्यूम करना भी चाह रहे हैं तो उसको जो है वो ज़रा थोड़ी अमाउंट में जो है वो कंज्यूम करें। तो ये अब हमारे पास जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर जो है वो डिफरेंस आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि
जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ बेसिकली वो होती है जो कि जो है वो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से, हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से जो है वो फीमेल्स में आ जाती है। अब इनको क्या करना चाहिए कि अगर तो अगर किसी फीमेल को, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर हो रही है, तो उसको कॉमनली ये होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है ये डायग्नोज होती है। तो उनको चाहिए कि वो अपनी जितना भी वो मीठा अपनी डाइट में कंज्यूम कर रही हैं, जितना भी वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अपनी डाइट में कंज्यूम कर रही हैं, वो उसको बिल्कुल जो है वो अपनी रूटीन से रिमूव कर दें, और ताकि उन जो शुगर लेवल है वो कम ना हो, इसलिए जो है वो एक रोज की जो है वो एक खजूर अपनी रूटीन का पार्ट बना लें, और उसके साथ ही साथ जो है वो अपनी रूटीन में जो है वो चिया सीड्स ऐड करें, क्योंकि चिया सीड्स जो है उसके अंदर भी बहुत अच्छी अमाउंट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है और वो आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आज का टॉपिक हम अपने यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।